आप भी एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाना चाहते हैं और नहीं समझ पा रहा है कौन से सब्जेक्ट लें, कैसे और कहां से करें शुरुआत? आप 8th, 9th, 10th या 12th में हैं और आपका एम है एस्ट्रोनॉट बनने का। आप इंडिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी इसरो या यूएसए की नासा, स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन जैसे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज में काम करना चाहते हैं। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क की एरोस्पेस कंपनी है, ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस एमेजॉन के फाउंडर की रॉकेट कंपनी है। आप इंडिया और अमेरिका में एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, लेकिन रूल थोड़े से डिफरेंट है। पहले बात करते हैं अमेरिका की नासा के बारे में, हाउ टू गेट जॉब इन नासा। दोस्तों यूएसए में नासा, स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन में एस्ट्रोनॉट बनने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए यूएस सिटीजनशिप जरूरी होती है, मतलब आप अमेरिका के परमानेंट सिटीजन हैं, तभी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं यूएस में। और यूएस सिटीजन बनने के दो तरीके हैं। नंबर एक, अमेरिका की किसी सिटीजन से शादी करके आप यूएस सिटीजन बन सकते हैं। नंबर टू, या फिर आप स्टडी या वर्किंग वीजा पे जाके वहाँ 7 से 8 साल जॉब करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड मिल जाने पर आप यूएस के परमानेंट सिटीजन बन जाएंगे और नासा, स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नासा में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम के लिए मिनिमम 2 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर 1000 घंटे का जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट होना जरूरी है, अगर आपके पास हायर डिग्री लाइक पीएचडी है तो काफी अच्छा है। एडुकेशन और एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, आप इन 5 सब्जेक्ट में किसी एक को चूज कर सकते हैं और इसी में रिलेटेड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप जितनी हायर एजुकेशन लेंगे उतना अच्छा होगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एडविन एल्ड्रिन जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे जो चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए थे, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। नंबर टू, बायोकेमिस्ट्री। पेजी वाइटसन जो कि एक फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की थी इन्होंने। एरोनॉटिक्स, कल्पना चावला जिन्हें सब लोग जानते होंगे, फेमस इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया था। ये इंडिया हरियाणा की रहने वाली थी, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद यूएसए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी और उसके बाद वहीं पे जॉब करी, उसके बाद ये एस्ट्रोनॉट बनी। नंबर 4, जियोलॉजी। हैरिसन स्मिथ फेमस एस्ट्रोनॉट थे जो अपोलो 17 मिशन में चांद पर गए थे, वो एक जियोलॉजिस्ट थे। नंबर 5, एस्ट्रोफिजिक्स। आप एस्ट्रोफिजिक्स में एक अपना करियर बना सकते हैं। नासा को या किसी भी स्पेस एजेंसी को एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बात करते हैं हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट इन इसरो इन इंडिया। पहला तरीका है आप एयरफोर्स ज्वाइन करके आप इसरो में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। राकेश शर्मा एक इंडियन एयरफोर्स पायलट थे जो बाद में एस्ट्रोनॉट बने, क्योंकि फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने स्पेस में जाने वाले इंडिया की तरफ से। जनवरी 2020 में इसरो ने 4 एस्ट्रोनॉट को इंडियन एयरफोर्स से गंगयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया था। इनका सिलेक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन और फिटनेस टेस्ट लेकर किया गया और इन 4 एस्ट्रोनॉट को 2022 में गंगयान मिशन में भेजा जाएगा। एयरफोर्स पायलट के अलावा रिलेटेड सब्जेक्ट में हायर स्टडीज पीएचडी या एमटेक को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है इसरो। आने वाले टाइम में इसरो एयरफोर्स के अलावा भी कैंडिडेट चूज कर सकते हैं और इंडिया में ही ट्रेनिंग की जाएगी। 12th के बाद इन सब्जेक्ट में आगे की एजुकेशन इंडिया में कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एरोनॉटिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स। आपको इन सब्जेक्ट में हायर डिग्री लेनी होगी और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी या आईआईटी से हायर डिग्री लेने के बाद आप इसरो में इजीली जा सकते हैं। इस पे 2-3 वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप 8th, 9th या 10th में हैं, अभी से एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपनी स्टडीज को एक एक लेवल से बढ़ाकर हायर स्टडीज तक जाना होगा, उसके बाद ही आप एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।